हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं उन्हें स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो डाउट्स हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस अगर मैंने गलत भर दी है तो क्या मुझे पोस्ट मिल जाएगी, या फिर टाइपिंग पोस्ट मैंने पहले भरी हुई है और मेरे मार्क्स अगर कम है तो क्या मुझे पोस्ट मिल जाएगी। नॉन टाइपिंग पोस्ट है और जो मेरे मार्क्स हैं वो एवरेज मार्क्स हैं, 65-70 के करीब हैं, तो क्या पोस्ट मिल जाएगी और कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो जैसा कि सबसे कॉमन जो सवाल है वो पोस्ट प्रेफरेंस का है, तो मैं पोस्ट प्रेफरेंस को क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस को ठीक से फिल नहीं किया है एग्जाम फॉर्म फिल करते हुए, तो आपको पोस्ट मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि ग्रुप बी के अंदर किसी ने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डाली थी, फिर भी उनको पोस्ट मिल गई थी। वो इसलिए मिल गई थी क्योंकि ग्रुप डी के अंदर बहुत सारे कैंडिडेटों ने ज्वाइन नहीं किया था और ज्वाइन ना करने की वजह से जो है कट ऑफ को बार बार डिक्रीज कर करके जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में थे उनकी वेटिंग को क्लियर किया गया है, तो वहाँ पर ये रीज़न था। लेकिन एनटीपीसी में ऐसा कोई रीज़न नहीं है क्योंकि एनटीपीसी की जो पोस्ट है वो ग्रुप डी से काफ़ी अच्छी है, तो इसके अंदर कोई भी कैंडिडेट जॉब को स्किप नहीं करेगा। ग्रुप डी की जो जॉब थी वो स्किप इसलिए की थी लोगों ने क्योंकि बहुत से कैंडिडेट का अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ट्रैकमैन, सफाई इन सब में आ गया था, तो उन्होंने वो जॉब नहीं की। इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस ना डालते हुए भी उन कैंडिडेटों को वो पोस्ट दे दी गई थी जो उन्होंने फिल नहीं की थी। लेकिन एनटीपीसी में मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। अगर आपने पोस्ट डाली है तो आपको वो पोस्ट मिलेगी, वरना आप एनटीपीसी की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। मैं आपको समझा देता हूँ पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। पोस्ट प्रेफरेंस का आप देख लीजिए, जैसे कि आपने लेवल 6 में स्टेशन मास्टर की पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस डाला और उसके बाद आपने लेवल 5 की जो पोस्ट है कुछ गार्ड को सेकंड प्रेफरेंस डाला है। अगर आपके मार्क्स इन कट ऑफ से, यानी कि जो स्टेशन मास्टर की कट ऑफ होगी या जो कुछ गार्ड की कट ऑफ होगी, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं बाई चांस, तो आपको थर्ड पोस्ट के लिए जाना होगा। और वो भी किस तरीके से, जिस कैंडिडेट ने, मान लीजिए दो कैंडिडेट हैं, मान लीजिए चार कैंडिडेट हैं, चार कैंडिडेटों ने पोस्ट प्रेफरेंस जो है अलग अलग डाली है। उसमें जो पहला कैंडिडेट है उसने स्टेशन मास्टर डाला है, दूसरा कैंडिडेट जो उसने पुश कार्ड डाला है, तीसरा कैंडिडेट जो है उसने सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क डाला है, और जो चौथा कैंडिडेट है उसने लेवल 2 की पोस्ट अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट डाला है। और सभी के मार्क्स जो हैं 65 से 70 के बीच में है। तो जिसने जो कट ऑफ डाली है अगर वो उस कट ऑफ को, उस लेवल की कट ऑफ को क्लियर करता है तो उसको पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर वो उस कट ऑफ को क्लियर नहीं करता है तो उसको पोस्ट मिलेगी तब तब दूसरे कैंडिडेटों ने वो पोस्ट फिल नहीं कर रखी होगी, यानी कि अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे पोस्ट प्रेफरेंस को नहीं डाली होगी, तो आपको वो पोस्ट मिलेगी, वरना आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगी। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग भरा सवाल है। रेलवे ने इसको अपने नोटिफिकेशन में, जो 65 पेज का नोटिफिकेशन था, उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाली है एक पोस्ट के लिए तो आप एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस को इस तरीके से डाला है कि आपने सारी पोस्ट प्रेफरेंस भर दी है और आपका मान लीजिए लेवल 5 का भी क्लियर नहीं हो पाती है कट ऑफ, और लेवल 6 की भी नहीं हो पाती है, और लेवल 2 में आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है, तो वो लेवल 2 की कट ऑफ आपको, लेवल 2 की पोस्ट आपको तब मिलेगी तब आपके नंबर जिन्होंने लेवल 2 की पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस डाला है उससे ज़्यादा हो तो मिलेगी, या तो फिर लेवल 2 में जिन कैंडिडेटों ने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस चुना है उससे वो सीटें खाली रह जाए उन कैंडिडेटों से, तो आपको मिलेगी, वरना आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एक या दो पोस्ट डाल रखी हैं टाइपिंग वाली, तो उनके लिए मैं बता दूं, अगर वो
टाइपिंग में रह जाते हैं तो उनको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। ये आपका एक लक ही कहा जाएगा कि बाद में वेटिंग लिस्ट लगे तो कुछ लोगों की वेटिंग क्लियर हो जाए, उनके अंदर उनका नंबर आ जाए, लेकिन पोस्ट प्रिफरेंस को बहुत महत्व दिया गया है एनटीपीसी के अंदर। तो इसलिए पोस्ट प्रिफरेंस अगर आपकी गलत है तो आप ज्यादा मार्क्स लाकर भी पोस्ट नहीं ले पाएंगे। सेकंड जो आपका वो था कि टाइपिंग पोस्ट, देखिए टाइपिंग की पोस्ट जो है वो ज्यादा है नॉन टाइपिंग की पोस्ट से, तो इसलिए टाइपिंग की जो पोस्ट है उन पर जो कट ऑफ है वो एवरेज कट ऑफ ही जाएगी। आप अगर उसमें मान के चल रहे हैं कि 80-90 चली जाएगी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइपिंग के अंदर उन्हें 8 गुना कैंडिडेट को पास करना है, और 8 गुना कैंडिडेट का आप ये एग्जाम्पल से समझिए, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन है नहीं तो नंबर किसी के ज्यादा या कम हो नहीं सकते। तो मान लीजिए जो 8 गुना कैंडिडेट है, जो पहला है कैंडिडेट, उसके मान लीजिए 90 नंबर आए हैं, और जो 8वां कैंडिडेट है उसके मान लो 50 नंबर आए हैं, तो कट ऑफ तो 50 पर ही लगेगी। यानी कि जो 50 वाला कैंडिडेट है जिसके 50 नंबर आए हैं, 8वां है, उसको भी टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन 50 से 90 के बीच में कितने कैंडिडेटों के नंबर ज्यादा हैं कम हैं उस हिसाब से फिर फाइनल कट ऑफ आपकी लगेगी, तो आपको पोस्ट मिलेगी टाइपिंग के बाद। नॉन टाइपिंग की पोस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो अधिकांश जो कैंडिडेट हैं उन्होंने कुछ गार्ड को, और फिर एक पोस्ट है कॉमर्शियल सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये बिना टाइपिंग की पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है, तो इनको जो है इन्होंने फर्स्ट प्रिफरेंस सेकंड प्रिफरेंस पे डाल रखा है, जिससे कि इनकी कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा नंबर वाले भी होंगे कम नंबर वाले भी होंगे। तो इसमें भी आपकी जो टाइपिंग वाली जो कट ऑफ है उससे 2-3 मार्क्स इसमें ज्यादा चली जाएगी बस, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं है, इससे बहुत फायदा होने वाला है, कट ऑफ इतनी हाई इस बार नहीं जाएगी जैसे टियर फर्स्ट में आपकी चली गई थी। और कट ऑफ लो जाने के मैंने आपको फैक्ट बताई थी है कि 8 गुना कैंडिडेट इस तरीके से दिए जाएंगे, और अभी लेवल 6 और लेवल 4 के लिए टाइपिंग टेस्ट भी होना है, लेवल 4 और लेवल 6 के लिए आपका साइको टेस्ट होना है, और बाकी लेवल 5 की कुछ पोस्ट और 2 की कुछ पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होना है। टाइपिंग टेस्ट के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लगेगी, जिसके अंदर 1:1 के अंदर DV के लिए आपको बुलाया जाएगा, यानी कि जितनी पोस्ट होंगी उतनी आपको वैकेंसी, जितनी वैकेंसी उतनी पोस्ट के रेशो में ही 1:1 के रेशो में कैंडिडेट को डीवी के लिए कॉल किया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।